विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई, जिसमें करीब 100 सीटों पर नामों की चर्चा हुई और उनका प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इसमें भी 106 नाम शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम हो सकते हैं। वहीं लगातार जीत रहे नेताओं के नाम भी पहली लिस्ट में हो सकते हैं। बता दें कि बैठक में राहुल गांधी सर्वे रिपोर्ट भी लिए हुए थे। उनके हाथ में सादुल शहर सीट का पेज नजर आ रहा है, जिसमें जगदीश चंद्र का नाम लिखा हुआ नजर आया था। इस बैठक में कांग्रेस की सीटवार सर्वे और टिकट के मापदंडों को लेकर लंबा मंथन चला। इस बार स्क्रीनिंग कमेटी और प्रदेश चुनाव समिति ने अलग अलग एक्सरसाइज की थी। बड़े नेताओं से भी नाम मांगे गए थे। इसके बाद कल स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल पर लंबा डिस्कशन किया था। वहीं सर्वे के मुताबिक कमजोर कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे करीब 15 विधायकों को छाटा गया है। अब सिर्फ फाइनल फैसले का इंतजार किया जा रहा है, जो कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के साथ खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क डिजिटल।